क्या आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रही हैं, फोरहेड, हाथों, पैरों पर, जो लाइन पर रिंकल्स रिंकल्स हो रही हैं, फाइन लाइन्स हो रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे नहीं, अपने बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसे आपके रिंकल्स फाइन लाइन्स दूर होंगी, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना जरूरी है। अगर आपको 30th या 25th से पहले रिंकल्स वगैरह आ रही हैं, तो आपको तो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी रिंकल्स जो है आना स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा स्किन का। तो चलिए आज आपके साथ कुछ अमेजिंग सा शेयर करती हूँ, जिसको फॉलो करके ना आप अपनी रिंकल्स फाइन लाइंस की छुट्टी कर सकते हो, अपनी स्किन को ऑल टाइम ग्लोइंग बनाकर रख सकते हो, ठीक है ना। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करोगे तो सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज बनाकर दिखा रही हूँ आपको मैं एलमंड से बनी हुई एंटी एजिंग क्रीम, जिसको यूज करके आप अपनी स्किन को ऑलवेज यंग रख सकते हो। और इसके लिए हमें चाहिए सॉफ्ट एलमंड्स। मैंने इन एलमंड्स को ओवरनाइट पानी में डिप करके रखा था और अभी अच्छे से सॉक हो गए हैं, और देखिए कैसे इसका पील उतर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका पील उतार के ऐसे आपने इसको लेना है, ये देखिए इस तरीके से सारा पील इसका उतार दीजिएगा, और फिर आपने इसको क्रश करना है। गाइस, एलमंड्स जो होते हैं ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं, ये आपकी स्किन को यंग बनाएंगे, बहुत अच्छे से नरिश करेगा आपकी स्किन को, जितनी भी रिंकल्स फाइन लाइन्स है सब हट जाएंगे अगर आप इस क्रीम को ना रेगुलर यूज करोगे। तो एलमंड खाया भी करो और एलमंड स्किन पर भी लगाया करो। तो चलिए फटाफट से मैं इसको क्रश कर लेती हूँ पील ऑफ करने के बाद। एलमंड को अच्छे से क्रश कर लिया है, इस बॉल में डाल लिया है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड करना है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो है ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, तो ये हमारी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। आप इसकी जगह लाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज है तो बहुत बढ़िया है। तो आपने क्या करना है, इसके पीसेज लेने हैं और इसका जूस इसके अंदर आपने डालना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही जो है ना इसको स्क्वीज करके डाल रही हूँ। आप इसका अलग से भी जूस निकाल कर फिर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इतना जूस सफिशियंट है जिसमें ये एलमंड अच्छे से डिप हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद ना ये अच्छे से इसके अंदर जूस जो है समा जाएगा और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला तैयार होगा। 5 मिनट्स के बाद हम नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इसके अंदर ऐड करेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स गाइज आप देखोगे कि इसके अंदर अच्छे से जो है ना समा गया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा स्वीट एलमंड ऑयल। स्वीट एलमंड ऑयल जो है ना ये आपकी स्किन को टाइट बनाएगा। एलमंड तो हमने डाला ही है, साथ साथ इसका ऑयल भी डालेंगे, जिससे हमारी स्किन टाइट होगी, ब्राइट होगी और साथ साथ रिंकल्स का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आपने जो है ना इतना सा स्वीट एलमंड ऑयल इसके अंदर डाल लेना है, मिक्स करना है, और फिर जो है ना इसके अंदर आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को टाइट बनाने में, हेल्दी बनाने में, रिंकल फ्री बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एलोवेरा जेल आपने रेडीमेड इस्तेमाल करना है, यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल यहाँ पर आपने नहीं लेना है। डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए और 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, फिर ये अपनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं इस पर 1-2 मिनट लगाती हूँ मिक्स करने में। गाइज आपने इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये अपनी अच्छी वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और मैंने बहुत देर मिक्स किया है और ये बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी में आ गया है, जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था, ये इस तरीके की, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अगर आप इसको ना एलमंड्स को ग्राइंड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये ग्रैनुल्स से यहाँ दिखाई ना दे, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ये जो ग्रैनुल्स होते हैं ना इनके साथ आप अपनी स्किन की मसाज जब करते हो तो स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी होती है, तो इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो ये दिखाई ना दे। तो चलिए रेडी हो गया है, इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके आप रख सकते हो। 15 दिन तक ये आराम से चल जाएगा, फ्रिज में स्टोर कीजिएगा। दिन में 2 बार इस क्रीम को फेस पर लगाकर मसाज दीजिए अपर डायरेक्शन में, जिससे स्किन आपकी टाइट होगी, यंग होगी और रिंकल फ्री होगी। जिस जिस बॉडी पार्ट पर आपको लगता है कि रिंकल्स ज्यादा हो रहे हैं वहां पर अप्लाई करके आपने इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि ओवरनाइट नहीं रख सकते, ओवरनाइट भी रख सकते हो। दिन में 2 बार लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के दीजिएगा। मिलूंगे आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।